हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज सीखते हैं एक बहुत ही मेलोडियस भजन। आप ही का सजेस्ट किया हुआ भजन है। इसे लिखा है कमाली जी ने, म्यूजिक कंपोज की है जयदेव जी ने और गाया है आशा भोसले जी ने। तो चलिए सीखें इस बहुत बहुत मधुर भजन को। ये भजन राग खमाज पर आधारित है, जो थाट खमाज का राग है। राग खमाज में आरोह में शुद्ध नी का प्रयोग होता है और अवरोह में कोमल नी लगाया जाता है। नोटेशंस में आपको राग खमाज की चलन दिखाई देगी। प ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा। इन नोटेशंस में आपको ऐसे स्वर भी दिखाई देंगे जिनका आमतौर पर राग खमाज में प्रयोग होता ही नहीं है। तो लाइट म्यूजिक में कॉम्पोजिशंस में ऐसे स्वर दिखाई देते ही हैं। जैसे कोमल ग कोमल ध का प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये भजन राग मिश्र खमाज पर आधारित है। ये भजन 14 मात्रा की ताल ताल दीप चंदी पर निबद्ध है। तानपुरा है ए स्केल पर सा प। चलिए देखें भजन के नोटेशंस। सा प ना में प म प ग म लड़ी म प ध ध प थी प ध सा नि ध प लड़ी थी। शाम निकस गए ग म ध प ग ग रे सा नि सा। शाम निकस गए सेम नोटेशंस जो पहले हमने देखे। शाम निकस गए यहाँ वेरिएशन है। नामे प निध प म ग नामे नामे लड़ी। यहाँ एक और वेरिएशन है। श्याम निकस गए ग म ध नि ध सा नि प निकस गए। श्याम निकस गए। चलिए एक और वेरिएशन देखें। श्याम ग म ध निकस गए श्याम निकस गए। भजन को हमें ताल की पहली मात्रा से गाना है। चलिए देखें पहले ताल दीपचंदी का ठेका। धा धिन धागे तिन ता तिन धागे धिन। तिन धागे धिन। धा धिन धागे तिन ता तिन धागे धिन। नामे लड़ी थी शाम निकस गए। नामे लड़ी थी शाम निकस गए। नामे लड़ी थी शाम निकस गए। शाम निकस गए शाम निकस गए। नामे लड़ी थी शाम निकस गए। आइए
देखें फर्स्ट स्टैंजा के नोटेशंस, आगे जितने भी स्टैंजा हैं उनकी सेम ट्यून है। सा ना मैं बोली मम पध नी नी सा ना सा नी ध आ मैं ध सर मगर सा चाली सा ध रे नी ध। सेकेंड टाइम ना मैं नी 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 ध प म प ध बोली रे नी नी सा ना मैं सा ध रे सा नी चाली ध नी ध सा नी ध प फर्स्ट टाइम ना मैं बोली रे ना मैं चाली सेकेंड टाइम ना मैं बोली रे ना मैं चाली तान दुपट पड़ी थी म पध प पध सा नी ध प तान दुपट रा सोई पड़ी थी। सेकंड टाइम तान दुपट पड़ी थी। यहाँ वेरिएशन है शाम निकस गए ग सा ग म प नी ध प निकस गए कहते कमाली कभी
कैसे गए। दीप चंदी ताल पर कंपोज किए हुए भजन या गीत बहुत मेलोडियस लगते हैं। हमेशा जब भी नया कोई गीत सीखे तो ध्यान रखिए कि या तो कोई नई ताल हो उसमें, या फिर उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा हो या बहुत स्लो हो, जिससे हर गीत के साथ कुछ नया सीखने को मिले। मॉड्यूलेशंस, मुर्की, खटका, गमक, ये सीखने को मिले। कुछ ना कुछ नया तो सीखने को मिलना ही चाहिए। और इस भजन में आप सीखेंगे किस तरह से दीप चंदी ताल पर आपको मॉड्यूलेट करते हुए सुंदरता से इस बहुत ही मेलोडियस भजन को गाना है। तो देर किस बात की है, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा ये भजन और कैसा लगा ये वीडियो ट्यूटोरियल। हम फिर मिलेंगे एक नए गीत और एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सिंगिंग। थैंक यू, नमस्ते।